हमीरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड मशीन के अलावा कई प्रकार की सुविधाएं महीनों से नहीं मिलने को लेकर सर्व कल्याणकारी संस्था के पदाधिकारी काले बिल्ले लगाकर आज धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। संस्था के पदाधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सर्व कल्याणकारी संस्था के हमीरपुर अध्यक्ष जगजीत ठाकुर की अगुवाई में अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं पर रोष जताते हुए प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि जल्द इन समस्याओं को दूर किया जाए। सर्व कल्याणकारी संस्था के हमीरपुर के अध्यक्ष जगजीत ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर अस्पताल में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन तक खराब पड़ी है, जिन्हें ठीक नहीं करवाया जा रहा है, जिस कारण मजबूरन लोगों को बाहर महंगे दामों में टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्था के पदाधिकारियों ने काले बिल्ले लगाकर अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं पर रोष जताया है और प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जल्द इन समस्याओं को दूर किया जाए। सर्व कल्याणकारी संस्था हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जो ये जो गुंगा बहरा जो जिला अस्पताल का प्रशासन है उसको जगाने आए हैं, उसको चिताने आए हैं कि यहाँ की व्यवस्था को सुधारा जाए। दुर्भाग्य है कि इस अस्पताल में पिछले एक वर्ष से सिटी स्कैन मशीन जो बंद पड़ी हुई है उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीनें इस अस्पताल की बंद पड़ी हुई हैं, ऐसे ही मैक्सिम खराब पड़े हुए हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि प्रशासन को इसकी चिंता ही नहीं है, प्रशासन को मरीजों की कोई चिंता नहीं है, जिले की लोगों की कोई चिंता नहीं है। इस अस्पताल की व्यवस्था देखो किस तरीके से हो गई है। अगर प्रशासन है तो आदेश नहीं, अगर आदेश है तो उनको मानने वाला कोई नहीं, अगर डॉक्टर हैं तो मरीजों को देखने वाला कोई नहीं, फार्मासिस्ट हैं तो दवाइयाँ नहीं, अगर दवाइयाँ हैं तो उनको देने वाला कोई नहीं, सफाई कर्मचारी हैं पर सफाई करने वाला कोई नहीं। व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। दूर दूर से जिला से मरीज यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं और पूरा दिन उन लोगों को लाइन में यहाँ पर खड़े होकर रहना पड़ता है और उनको बिना इलाज कराए मजबूरन अपने घरों में वापस जाना पड़ रहा है, जो कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम इन मांगों को लेकर आज हम प्रधानाचार्य महोदय को एक अपना ज्ञापन भी देने जा रहे हैं और उनसे हम मांग करते हैं कि ये जो हमारी मांगे हैं, जो जनहित की मांगे हैं, लोगों की के लिए मांगे हैं, उनको समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए, नहीं तो सर्व कल्याणकारी संस्था इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएगी और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये इस हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधर से। क्या कारण है कि एक वर्ष से सिटी स्कैन बंद पड़ी हुई है और उस सिटी स्कैन को ठीक नहीं करवाया जा रहा? अगर वो ठीक नहीं होती है तो नई क्यों नहीं इंस्टॉल की जाती है? क्या क्या कारण है कि एक अल्ट्रासाउंड जो है वो ठीक नहीं होती? ये प्रश्न है हमारा प्रशासन से, किसकी वजह से, किसको फायदा देने की वजह से ये सारी चीजें जो हैं वो जानबूझ के ठीक नहीं करवाई, दुरुस्त नहीं करवाई जा रही हैं? क्या कारण है? ये प्रश्न है हमारा, ये हमारा ही प्रश्न नहीं है, ये जन जन का प्रश्न है। एक वर्ष से जिस हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हमीरपुर में जितने सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड और दूसरे ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट बंद पड़े हुए हैं, क्यों नहीं ठीक करवाए जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमीरपुर अस्पताल अब रेफरल एजेंसी बनकर रह गया है और छोटे से छोटे ऑपरेशन के लिए लोगों को टांडा या फिर शिमला रेफर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस हॉस्पिटल से रिकॉर्ड हो गया इस अस्पताल का कि रेफरल अस्पताल के नाम से ये तो एक रेफरल एजेंसी बन गई है, मेडिकल कॉलेज नहीं रहा। छोटी से छोटी सर्जरी के लिए भी डिलीवरी, छोटी से छोटी डिलीवरी केस के लिए भी टांडा और भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि सीनियर सिटीजन यहाँ पर लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं और उन यहाँ के जो स्टाफ कार्यरत स्टाफ है उनके साथ मिसबिहेव किया करता है और मरीजों के साथ भी मिसबिहेव हो रहे हैं, उनके अटेंडेंट के साथ मिसबिहेव हो रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जिसका हम विरोध करने के लिए आज हम सिर्फ मौक प्रदर्शन करने के लिए सर्व कल्याणकारी संस्था हमीरपुर के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और ये व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो ये आंदोलन बहुत जन आंदोलन बनाया जाएगा, चाहे सरकार हो चाहे अस्पताल प्रशासन हो, हम आज चिताने आए। ओके।